गाइस, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप यहां पर जो है गाइस लोन लेना चाहते हैं, तो गाइस आप यहां पर इस एप्लीकेशंस के बारे में जो मैं बताने वाला हूं गाइस, इस एप्लीकेशंस का नाम है स्टूक्रेड स्टूडेंट लोन ऐप, कुछ इस तरह से गाइस। तो इस एप्लीकेशंस की मदद से आप काफ़ी आसान तरीके से लोन अमाउंट ले पाओगे। और इस एप्लीकेशंस में गाइस आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एप्लीकेशंस RBI के द्वारा रजिस्टर्ड NBFC है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस एप्लीकेशंस में मैं आपको लोन की प्रोसेस बताऊंगा और इस एप्लीकेशंस के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर भी इस एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड कर सकते हो। सर्च वाले ऑप्शन में बस आपको स्टूक्रेड लिखकर सर्च करना है, स्टूडेंट लोन ऐप आ जाएगा। जो गाइस इस स्टूक्रेड स्टूडेंट लोन ऐप के गाइस जो कंपनी है वो है क्रियोन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, और ये कंपनी RBI के द्वारा रजिस्टर्ड NBFC है। तो इसमें गाइस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इस एप्लीकेशंस के बारे में कुछ डिटेल्स को देखें, तो गाइस इस एप्लीकेशंस की रेटिंग को भी अगर हम देखें तो 4.6 की रेटिंग है। काफ़ी सारे पॉजिटिव रिव्यू इसमें हमें देखने को मिलते हैं, नेगेटिव काफ़ी कम यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो काफ़ी आसान तरीके से। अगर इस एप्लीकेशंस में रिव्यूज़ की बात करें तो 30,000 से ज़्यादा लोग इसमें रिव्यूज़ दे चुके हैं और इस एप्लीकेशंस के 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। अगर डाटा सेफ्टी को देखें तो ये एप्लीकेशंस हमारे किसी भी प्रकार के डाटा को गाइस यहाँ पर जो है कलेक्ट नहीं करती है, ऐसा इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन गाइस अगर बात करें डाटा शेयर करने की, तो कुछ डाटा यहाँ पर ये शेयर करती है, जैसे कि पर्सनल, फाइनेंशियल और फाइल्स एंड डॉक्स, डिवाइस और अदर IDs, कुछ ये परमिशंस को शेयर करती है, कलेक्ट भी करती है गाइस, लेकिन ज़्यादा डाटा कलेक्ट नहीं करती है। वो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी परमिशंस हमसे लेगा। अगर यहाँ पर हम गाइस इस एप्लीकेशन का अबाउट दिस ऐप वाले फीचर पर चले, तो यहाँ पर गाइस इस एप्लीकेशन की मदद से हम मैक्सिमम लोन अमाउंट 10,000 तक का ले सकते हैं। 10,000 तक के क्रेडिट लिमिट ये हमें प्रोवाइड करती है, और जो गाइस मिनिमम है वो 1,000 है। 1,000 से 10,000 के बीच में हम कुछ भी लोन अमाउंट ले सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। और जैसे जैसे आप इसमें पेमेंट करते जाओगे, आपकी लिमिट को ये इंक्रीज करते जाएंगे गाइस। यहाँ पर इसमें आपके क्रेडिट स्कोर भी जो है गाइस बढ़ते हैं, जैसे ही आप इसकी रिपेमेंट करोगे वैसे ही आपकी जो गाइस लिमिट है वो भी इंक्रीज होगी और आपके सिविल स्कोर भी यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, कुछ इस तरह से। अगर हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ डिटेल्स देखें, तो वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन होगा, नो मोर फिजिकल डॉक्यूमेंट। आपको फिजिकल कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है गाइस लेके जाने की कहीं पर जरूरत नहीं है, अपलोड होंगे वो सिक्योर तरीके से और थ्रू आवर ऐप के थ्रू यहाँ पर होंगे, और फास्ट वेरिफिकेशन हो जाएगा। बेस्ट लोन ऐप है यहाँ पर, ये बेस्ट स्टूडेंट लोन ऐप। अगर और भी यहाँ पर देखें नीचे, तो इंटरेस्ट फ्री है यहाँ पर, ये एट 0% रेट पर मिलेगा हमें लोन अमाउंट। स्टूक्रेड स्टूडेंट लोन्स आर इंटेंडेड यहाँ पर दो एम्पावर द लोन ऑफ इंडिया विद इंस्टेंट कैश, आपको इंस्टेंट लोन अमाउंट मिलेगा। इसमें एक सिंपल कैलकुलेशन हमें प्रोवाइड कर रखी है, तो उसको आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर रखा है जो लोन अमाउंट रहेगा 1,000, टेन्योर 90 दिनों का रहेगा, और जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 0% रहेगा पर एनम, और जो यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रोसेसिंग फीस वो 152 रुपये रहेगी, जो GST लगेगी उन प्रोसेसिंग फीस 28 रुपये, टोटल चार्जेस जो लेंगे वो यहाँ पर 180 रुपये, APR 72%, और जो टोटल आपको रिपेमेंट करनी है गाइस वो आपको करनी है यहाँ पर 1180 रुपये आपको करनी है, एक्सक्लूसिव ऑल फीस सभी फीस को जोड़कर 1180 रुपये आपको यहाँ पर जो है पेमेंट करनी है। और यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है कि लोन्स आर पावर्ड बाय, मतलब प्रोसेस्ड बाय आवर RBI रजिस्टर्ड NBFC क्रियोन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ये कंपनी RBI के द्वारा रजिस्टर्ड है, इसके द्वारा ये हमें लोन प्रोवाइड करता है। लोन की रिपेमेंट के बारे में हम देख लेते हैं, 60 डेज इसका मिनिमम रिपेमेंट टेन्योर है और 90 दिन इसका मैक्सिमम है, बस इसी टेन्योर के साथ आपको लोन अमाउंट मिलेगा। और भी अगर नीचे देखें, तो बिल्ड यूर क्रेडिट सिविल स्कोर, हम यहाँ से टाइमली रीपेमेंट करेंगे तो हमारे जो सिविल स्कोर है वो भी बढ़ेंगे और जो हमारी लिमिट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक्सपेंडेबल क्रेडिट लिमिट ओनली बाय सक्सेसफुली रीपेइंग लोन्स, और यू कैन इंक्रीज यूर लिमिट टू बिल्ड यूर क्रेडिट स्कोर विथ स्टूक्रेड। वी ऑफर स्टूडेंट लोन स्टार्टिंग 1,000 से 10,000 तक का, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये गाइस इसी के बारे में कुछ डिटेल्स है, इसको आप देख लीजिए। अभी मैं आपको डायरेक्टली इस एप्लीकेशन में लोन की प्रोसेस बताता हूँ, और यहाँ पर मैं देखता हूँ गाइस कि मेरे को कितने की लिमिट यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपको ऐप को ओपन करना है, RBI रजिस्टर्ड NBFC है और ये एप्लीकेशन गाइस सिर्फ स्टूडेंट को ही लोन प्रोवाइड करती है, और भी आप इसमें ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लोन अमाउंट मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर गाइस आपको सबसे पहले इसमें साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए यहाँ पर आपको अपने 10 डिजिट के मोबाइल नंबर फिलअप करने हैं, उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उसके बाद में वहाँ पर गाइस लॉगिन वाला ऑप्शन था, तो वहाँ पर आप मोबाइल नंबर जैसे ही फिलअप करोगे, आप न्यू यूज़र हो तो सबसे पहले तो आपसे परमिशन लेगा। ये कुछ परमिशन से यहाँ पर आपको चेक मार्क पर टिक करना है, उसके बाद में एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी को आप पढ़ सकते हो गाइस यहाँ पर ऐसे करके,
अगर मैं नहीं पढ़ना चाहता तो मैं यहाँ से दोनों पर चेक मार्क करूंगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर में लेके जाएगा, अदर कोई ब्राउजर में। मैंने दोनों पर चेक मार्क कर दिया है, अभी एग्री एंड प्रोसेड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको फुल नेम एंटर करना है गाइस। नीचे आपसे आपका फुल नेम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर गाइस पहले हम साइनअप कर रहे हैं। इसमें तीन स्टेप्स हैं इसमें जो मैं आपको ऊपर दिखा सकता हूँ। यू हैव जस्ट थ्री स्टेप फ्रॉम योर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना फुल नेम एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फुल नेम एंटर करने के बाद में आपको एक पासवर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा गाइस, 6 डिजिट का। तो पासवर्ड आप कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। दोबारा से आपको कन्फर्म पासवर्ड सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है। ये गाइस साइनअप के लिए ही प्रोसेस है। अभी यहाँ पर आपको अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है गाइस। ये एप्लीकेशन सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट को ही यहाँ पर लोन प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यूअर ईमेल डोमेन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यूअर ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। और वी विल सेंड ए ओटीपी टू यूअर ईमेल आईडी, हमारी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भी जो है गाइस भेजा जाएगा। तो अभी आपको ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। सबसे पहले आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, कोर्स सिलेक्ट करना है, यूअर ईमेल डोमेन आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद में अपनी ईमेल एड्रेस एंटर करनी है और सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। ये प्रोसेस मैं यहाँ से कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद में गाइस आपकी जो ईमेल एड्रेस है जो आप वहाँ पर एंटर करोगे उस पर भी आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। उसके बाद में गाइस आपके जो मोबाइल नंबर आपने वहाँ पर फिलअप किए थे उस मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो उसको भी आपको एंटर करना है। यहाँ पर मैं नोट नाउ पर क्लिक करूँगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हाई गेट यूर फर्स्ट लोन सुन, अभी हमें कुछ भी लोन अमाउंट नहीं मिला है, पहले सबमिट यूर KYC करने की बोल रहा है। तो पहले गाइस हम अपनी KYC पर क्लिक करेंगे। तो नीचे आपको हाई गेट यूर फर्स्ट लोन पर क्लिक करना है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पर रेफर के लिए भी है, रेफर एंड गेट 50 फॉर मोर एवरी रेफरल, कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर रखा है। अभी आपको गाइस यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कि एड VPA UPI ID। तो आपको सबसे पहले एक UPI ID को ऐड करना होगा, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा गाइस तो मेरे सामने एक ऑप्शन आएगा जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर टर्म्स पर क्लिक करना है, UPI डिक्लेरेशन है तो आपको एक्सेप्ट एंड प्रोसेड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी UPI ID एंटर करनी है और दोबारा से आपको कन्फर्म एंटर करनी है। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर एड UPI ID पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में गाइस आप अपनी UPI ID जैसे ही एंटर कर लोगे तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कि आपको क्या प्रोसेस करनी है। यहाँ पर आपको आपकी लिमिट जो है देखने को मिल जाएगी, 1000 मेरी लिमिट है तो वो मेरे को देखने को मिल गई है। जो मेरी UPI ID है वो मैंने यहाँ पर एड की, उसी के बाद में मेरे को यहाँ पर जो मेरी लिमिट है वो शो हुई है। अभी आपको क्या करना है, अगर UPI ID चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे को 1000 रुपये की लिमिट मिली है। अगर मैं मेरे इसमें अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहता हूँ इसको, तो मेरे को क्या करना होगा, सर्विस चार्ज प्रोवाइड करना होगा इनको, और जो रीपे है वो कब करना होगा मेरे को वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। और मैं अगर इस लोन अमाउंट को लेना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पर 940 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे, गेट 940 इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर में मेरा जो लोन अमाउंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो उसको लेने के लिए मेरे को क्या करना है, गेट मनी पर मेरे को क्लिक करना है। उसके बाद में कंप्लीट यूजर वेरिफिकेशन होगा तो उसको मेरे को कंप्लीट करना होगा, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद में कुछ परमिशंस को अलाउ करना होगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे को 3-4 डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपडेट करना होगा जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कि गाइस सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड के ऑथेंटिकेशंस करना होगा, अपना आधार कार्ड को अपलोड करना होगा, पैन को अपलोड करना होगा, पैन कार्ड को गाइस, उसके बाद में आपको यूजुअली ऑथेंटिकेशंस स्टेप 3 में आपको वेरीफाई यूजिंग वीडियो OTP, वीडियो OTP के थ्रू यहाँ पर जो है गाइस प्रोसेस होगी। उसके बाद में स्टूडेंट ऑथेंटिकेशंस में अपलोड योर स्टूडेंट आईडी कार्ड, आपको एक आईडी कार्ड दिया होगा गाइस कॉलेज की तरफ से, वो आईडी कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कॉलेज डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेशंस करना होगा, अपलोड योर कॉलेज इश्यूड डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपको कॉलेज से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिला होगा जैसे गाइस यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद में कंटिन्यू टू ऑथेंटिकेट पर आपको क्लिक करना है। ये 5 स्टेप्स करने के बाद में ये लोन अमाउंट आपको आपके बैंक अकाउंट में इजीली देखने को मिल जाएगा, सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइस कुछ यही प्रोसेस है, इसके बाद में और कुछ डिटेल्स आपसे ले सकता है तो वो डिटेल्स आप इंटर कर दीजिए और आप काफ़ी आसान तरीके से इस एप्लीकेशन से लोन अमाउंट ले पाओगे। अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे।